السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله 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 الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد محمد عبد ورسول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك محمد وعلى آل محمد كما باركت وعلى آل إبراهيم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد الوسيلة والفضيلة والمقام محمود الذي وعدته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا سامعین کرام کسے قوم دے بگاڑ دی انتہا ہندی ہے کہ وہ برائی تو باز آن دی بجائے उन्हां लोगों नूं जिहड़े उन्हों बुराई तो टोकन कतल करना शुरू कर दे ए उहदी सरकशी और उहदी बगावत दा कमाल हुंदा इत्थों तक पहुँच जांदे आ वी बुरे कम आप कर दे जे कोई भला मानस होणा बुरे कमां तों डकदा ते रोकदा उहनूं बर्दाश्त नहीं करदे और किसे कौम ते अजाब नहीं आया जद तक उन्हां ने किसे अल्लाह दे नेक बंदे नूं इस तरह दुख नहीं दिता हेज कौम मेरा खुदा रुसवा ना कर दे
ता दिले साहिब दिले नामत बदल। जदों तक अल्लाह वाले का दिल नहीं दुखिया और उन्हें अल्लाह अगे फरियाद नहीं की, अल्लाह ये अखीर हो चुकी है, बजाय तौबा कर दे मैनू कतल करते दर पाया किन्ने इन्होंने कतल करते। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर यहूद का गुनाह उन्होंने जुर्म जगह जगह पर बयान किया, जिन्हों एक टुकड़ा मैं सूरह निसा का तुहाड़े सामने पढ़िया, जिहदे च अल्लाह पाक फरमाया कि जो कुछ अल्लाह ने उन्होंने को ऐद मुआदा लिया सी, शरीयत दिती सी, हलाल हराम का हुक्म दिता, सब तोड़ के रख दिता, किसी गल ते नहीं रह, पैरां थले रौन दिता तौरात शरीफ नूं, तिलावत करते रहे, पढ़ते रहे, दरस होंदे रहे, खत्म होंदे रहे, खांदे पींदे रहे, बड़े बड़े मदरास मदीना शरीफ दी गिरदी बने सी, कमाई करते रहे, दीन ते अमल कोई नहीं कीता। अल्लाह नाल जिहड़ा वादा सी कहना चीज़ों का ख्याल रखोगे तो दुनिया आखरत मेरियां रहमतां होणगियां, सब तोड़ दिता, अल्लाह तआला दी आयतां दा इनकार करता, वक़्तले हमल अंबिया बगैर हक, और जिहड़े अल्लाह दे नेक बंदे नबी उन्होंने उस बुराई तो रोकते सी उन्होंने ना हक कतल कर दिता। नबी का कतल ना हक तो हुंदा ही है, कोई गुनाह नहीं नबी का हुंदा, मगर अल्लाह तआला ने जिथे जिथे का बयान किया बगैर हक है, कि दुनियावी लिहाज ना भी कोई वो कतल करने वाली वजह नहीं सी दस रहे भी क्यों मार रहे, बिला वजह। इस तो ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जदों इन लोगों ने कोशिश की सलीब दिलवाया जाए तो रूमी सी काफिर, जिवें अंग्रेज इत्थे हुकूमत करता सी उहदा यहूदियों नाल कोई ताल्लुक नहीं सी, और पीला तो उसने आख्या यार मैनू इहदे कानून के मुताबिक कोई गुनाह नहीं, किस तरह मैनू फांसी दे दिया, मगर यहूद दे आलमा ने जिहड़ा पिछे मजमा सी उन्होंने सारे नूं आख्या तुसीं दुआई दे दिओ वे इहनूं फांसी दे फांसी दे फांसी दे, मजमे चों नारे बुलंद होए। अल्लाह ताला दे पैगंबर दी इन्नी बेकदरी कि दुनिया जिहड़ी मौज़े वेंदी सी कि बीमार ठीक हो रहा है, इन्हां नूं अखां मिल रहीआं, उह कमबख्तां दे इहनूं फांसी दे, और अखीर मोहर इत्थों तक लगी वी उहदे कोल हज़रत ईसा अलैहि सलाम भी सी और एक बहुत बड़ा डाकू बराबा जिन्हें शहर हंगामे किए थे डाके डाले से वह भी उन्हें भी सजाए मौत होनी सी, और पीला तो उसने आख्या कि मैं गवर्नर आने की हैसीयत इख्तियार रखता मैं थोड़ी ईद का दिन जो आता साड़ी जो रईयत थोड़ी ईद का अदब कर दें असी एक जिन्होंने सजाए मौत होनी होंगी उन्होंने छड़ देने रहा कर देने, तुम दसो भी ये जरा अल्लाह का नबी अखाता इनू फांसी दें या बराबा दें कि छुड़वाना चाहते। मौलवी ने आख्या कह दो कि बराबा छड़ दे डाकू छड़ दे सजा दे पैगंबर फांसी दे, तो अल्लाह पाक ने फिर अपने नबी नूं तो उठा लिया, मगर इन्हों का बुरा असर होया फिर बहुत जल्दी फिर रोम तो टीटस रोमी आया जिन्हें ना शहर रहन दिता यरूशलम ना मस्जिद अक्सा रही ना यहूदी रह ना मुन शाह ने उनका मटाता औरतां बच्चे लाउणियां गुलाम बना लै हज़ारा कतल होए। तो जदों ये जुर्म लोग करन गुनाह खुद करन मगर रोकने वाले नूं कतल करना शुरू कर देन ये अखीर हो जाती, इस बाद फिर मोहलत नहीं मिलती अल्लाह बर्बाद कर दिया। इस सिलसिले तुसीं पिछले जमें सुनिया कि मैं अपने खुतबे के अंदर एक आयत करीमा जिहड़ी सूरा अलहाका दी सी जिहदे तो कादियानी हजरात बड़ा गलत इस्तेलाल करदे कि अल्लाह ने आख्या वलौत कबल आ रहना बादला कवी कि पैगंबर अगर कोई झूठा बने असी उहदी शाहरख कर दें, यह गल बना ली भी मिर्ज़ा गुलाम इन्ना चिर नबी बनया रहा अगर वह झूठा सी अल्लाह ने उहदी शाहरख क्यों नहीं वड्डी, इहदा बयान तो पिछे हो गया भी इस आयत का झूठे नबियों का कोई ताल्लुक नहीं, ये सच्चे झूठे नबियों का फर्क कर ली अल्लाह ने आयत नहीं उतारी, ये सच्चे नबी की गरंटी दिती है भी जिहड़े तुसीं काफिर आंदे जे साडे आके कुछ रद्दो बदल करदे कुरान कुछ साडियां मन ला कुछ अपनियां मरवा ला तौहीद एड्डी कलड़ी ना रख ये साडे बजुर्गों लई कोई थां मन ला ये भी कुछ ना कुछ करदे कराउंदे, अल्लाह ने उहदे बारे च कहा कि कोई गल भी पैगंबर तुहाडे कह ते मन रहा मैं शाहरख कट के रख, ये सच्चे नबी दी सिर होया कि सच्चा नबी ऐसा नहीं कर सकता, सारी दुनिया भी दबाव पावे ना वह लोगों के कहते तो रद्दो बदल नहीं कर सकते, झूठे जोड़े जिंदा रेंगे जो मरते इस आयत ना कोई चल गया बयान हो चुका। अज एक दूसरी आयत जी तौरात शरीफ की है वह हवाला भी गुलाम अहमद काजिया ने साथियों ने दिता कि मूसा अलैहि सलाम ने कहा भी झूठा ना भी कतल होंगे कुरान की तरह, उस आयत का भी गलत तर्जमा करके कि झूठे नबी को कतल होना चाहिए, इस तो जरा नहीं कतल हों पता चल गया कोई सच्चा, तो मैं ये बारे भी इस बारों भी हम बहस जी ने मुकम्मल हो जाए ताकि कभी भी यह मुरतब हो कोई कसर ना रह जाए, इन पूरा कर दिता जाए तौरात न भी बिल्कुल फरेब कर दे धोखा दे, उत्थे गल कोई नहीं बयान हुई कि झूठा आदमी कतल होंदा बल्कि कानून बयान होया कि झूठे आदमी को कतल करना चाहिए कर या ना कर, लोग जिवें कानून बयान चोर दे हथ वढ़ो नहीं असी वढ़
वो शरीयत का एक हुक्म है कि जाली नबी बनने वाले हुकूमत को चाहिए मुसलमानों को चाहिए वो कतल कर। अल्लाह की तरफों कोई नहीं जरूर कतल हो जाता या कतल हो जाए तो झूठा। इन दोनों चीज़ों अलग अलग रखो। तशरीह जड़ी ना जिमें अल्लाह पाक ने सूरह नूर फरमाया अज़ानी ला यनकह अल्लाह ज़ानियतन औ मुशरिक, ज़ानी मर्द निकाह नहीं करता सिवाय ज़ानी औरत दे या मुशरिक औरत। हालांकि वेखीदा भी ज़ानी जड़े नेक औरतों ने भी शादी कर दे, कुरान आंदा क्यों नहीं शादी कर। एक हुक्म है कि करना नहीं चाहिए उन्हों, हरामदादे को हरामदादी लड़की लभ के दो। अगर वो बदकार है तो बदकार ही करे, क्यों शरीफ औरत को खराब कर दे। शरीयत अलग अलग की होना चाहिए तो हुंदा की है दुनिया च अलग बात। उस आयत अंदर अल्लाह ने ला यनक क्या कि जानी निकाह नहीं करता सिवाय जानी औरत दे या मुशरक औरत। हालांकि दुनिया बदमाशों के घर नेक औरत बदमाश जड़े वो बुरी औरतों ना क्या कर दे नेकों ना भी कर दे। तो ये एक कानून है, अल्लाह ताला ने कानून बयान फरमाया जिन्हों इन लोगों ने कोलों बना लिया भी नहीं कतल करना अल्लाह ने जे नहीं करता तो फिर यह मतलब सच्चा नबी बन रहा झूठ बोल। एक किताब इस सुना ये अंदर मूसा अलैहि सलाम ने जो हुक्म बयान फरमाया 18वीं आयत दा रुकू है वह कि जो जाली नबी बने और जो नबी ये गुस्ताखी करे कि कोई ऐसी बात मेरे नाम से कहे जिसके कहने का मुझे मैंने उसे हुक्म नहीं दिया कि झूठा नबी बन जाता मैं नहीं उन्होंने आख्या कि तू नबी है या गल अपनी तरफ कह अल्लाह ने मेरे से वही उतारी है। दूसरी या दूसरे महबूदों के नाम से नबूवत करे मेरा नाम लेके वो गलत नबूवत करता या शिरक की तालीम देता बजाय तौहीद सच्चे नबी की तौहीद दस दे। वो आंदा नहीं ये बाल देवता की पूजा करो जिमें फलस्तीन हो रहा वो भी प्रॉपर्टी खाते नबी उन्होंने तो वो नबी जरूर कतल किया जाए। कतल किया जाए हुक्म है कि जिमें जानी को संसार किया जाए चोर का हाथ कटा जाए। कतल लोग करते या नहीं करते जिमें असी मुरतदा नहीं कतल किया कसूर साडा हुक्म है ये मुरतद कतल किए जान। तो एक शरी कानून है एक कोई कैदा कुलिया नहीं कि झूठे नू कतल जरूर करूगा अल्लाह से ये मारा जाऊगा झूठा नबी साबित हो जू जिंदा रहू तो सच्चा हो जाए बिल्कुल दजल है। इस पर ग्रोह जड़ा मैं कहना कि जो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया 30 दज्जाल पैदा होने हैं क़यामत तो पहले उन्हां चो एक ग्रोह है। बाकी छोटे मोटे झूठे हुए दज्जाल मुबालगा बहुत फरे हर किताब धोखा करते हवालिया मकर करते। इस तरह तुम मुतमैन हो जाओ और मेरे इस खुतबे पर अगे भी तुम सुनते इस ग्रोह के बारे च दिल से लिख लो कि इन्हों के कोल सच ना की कोई शायद ये रब वार सारा कादियानी का जिन्ना टौंग आ दजल ते मबनी जिन्हियां तफसीलों के हवाले देंगे सारी अम दिया पाकटबुक लै को जो एक भी हवाला सच्चा निकल मैं फड़ बेईमान कट्ठे होए खुदा छड़िया सिर्फ एक ना दुकान बनाई है। इस से ग्रोह कोई ग्रोह नहीं शिया भी ग्रोह आ बरेलवी भी ग्रोह उन्होंने हवाले सच्चे आ ज़ईफ होना कमजोर होना अलग अलग है ये झूठ बोलते। जिस किताब का नाँ लैणगे उत्थे गल अगे पिछे होर होगी फरेब दें कि किताबां लोगों को है नहीं है धोखा करो। ये अल्लाह का शुक्र है कि मैं वो सारिया सिरे तो पैर तक जिन्हिया सी खादम हुसैन दी दूजे सब पढ़ छड़िया कि अब्दुल रहमान खादम की आंदा कादी नज़ीर की झूठ बोल असल किताबा कट कट के वेख्या कि सिवाय फरेब देना दे पले कुछ। तो मूसा अलैहि सलाम तक शरी कानून बयान कर रहा है कि झूठा नबी होवे या वो आदमी शिरक की दावत दे कतल किया जाए उन्होंने कतल करना चाहिए। नहीं कतल करते लोग तो जिम्मे होर शरीयत से अमल नहीं करते जानियों संसार नहीं कर रहे चोरों के हाथ नहीं बढ़ रहे साडा फिर अपना जुर्म। इस तो कोई मसला नहीं बयान होया कि झूठा जरूर कतल हो जाऊगा तो जो ना कतल हो सच्चा बन गया ऐसी गल नहीं। सिर्फ शरीयत होवे इस्लामी हुकूमत होवे तो उत्थे है कि झूठा नबी या शिरक की दावत देने वाला नबी जरा वो बिल्कुल दली यह कानून है कि उन्होंने कतल किया जाए। अगे एक बड़ी प्यारी बात दसी मूसा अलैहि सलाम ने कि पता कितना करना कि झूठा बहुत आला गल अगर तू अपने दिल में कहे कि कैसे मालूम हो कि ये बात खुदावंद ने नहीं कही ते आखे यार सच्चे भी नबी आउंदे आ भी आंदा मैं भी हाँ किवें पता लगे कि झूठा। कतल का हुक्म तो शरीयत का हुक्म ना कतल किया जाए मगर सच्चे झूठे आ गल तो अगर वो नबी खुदावंद के नाम से कुछ कहे और उसका कलाम पूरा ना हो और वाकई ना हो तो वो कलाम खुदावंद ने उसको नहीं फरमाया बल्कि उस नबी ने गुस्ताखी से वो बात कही है तो मैं ऐसे से ना डरना ऐ पहचान दे कि वो कवे अल्लाह ने मैनू आ गल कही है किस तरह होना पेशगोई करे तो सच्ची ना निकले वो गल पूरी ना हो समझ लो कि बकवास कर ये खुदा की तरफों नहीं खुदा का नबी हों कभी भी वो गल ना टलती पूरी हो और ये मिर्ज़ा गुलाम अहमद 100% झूठा। यदि सारी जी कारस्तानी ना अगर तिना लफ्जा मेरे को समझना चाहे
सारी उम्र का पढ़िया मैं नचौड़ दसूंगा कि मैं नबी क्यों नबी है मैं पेशगोईया की आऊगा होगा बाद की झूठियाँ निकलियाँ उसका की हाल मेरिया झूठिया निकलियाँ तो पहले नबिया निकलियाँ सच्चिया निकलिया सारी कादियां नचौड़ है कि पहलियां का मूँह भी काला करता होर पहले कोई शेखदादी नहीं जिस खड च आप बिके कि गल्लां पूरियां हुई पिछलियां दी भी गल्लां जिहड़ियां सी कहता साड़ियां नहीं हुई उन्होंने कि सच्चियां इस ते कोई निशानी नहीं हालांकि आप बात जी मूसा अलैहि सलाम ने कही ए गुर दी गल कतल होना ना होना उसे शरी हुक्म है कतल करो नहीं तुसी कर रहे तुहाड़ी कमजोरी सच्चे झूठे का कितों पता लगना कि जे उन्हें आख्या मैनू आ खुदा ने किया तो उदा ना हो समझ लो झूठ बोलता अल्लाह की गल जी जमीन आसमान टल जाते अल्लाह की गल ना टल ये जो गुफ्तगू हुई रब्बे दी अगे पिछे भी उन्होंने लोगों ने आख्या तुहाडा नबी सी यूनुस अलैहि सलाम उहदी कि सच्ची निकली ए मिर्ज़ा गुलाम अहमद तुरे मैं आख्या यार होई या नहीं तुहाडी बरकत नाल इह होया मैं इस्लाम छड्डूं जे नबियां दा इह हाल रहा ना भी वह गल्लां करदे सी सच्चियां नहीं निकलियां वह सारे झूठे किसी नूं मन्नण दा फायदा नहीं सारी दुनिया तो धक्के खा के फलसफियां तो साइंसदानां तो दानशवरां तो असी नबियां दे दरवाजे से आए कि वह सारे आंदे कि साडे कोल ज़ान और तखमीन अंदाज़ा गवेड़ ये साड़ी थ्यूरी है असी इतना समझते हैं मगर जरूरी नहीं भी सच हो सारे बेचारे अपनी असी जानते इस ग्रोह ने आख्या नहीं असी हक कहने साढ़े को ट्रूथ है असी अंदाजे नहीं करते गवेड़ नहीं लाते सानू खुदा दसदा तो खुदा गलती नहीं कर सकता ला दिलो रब्बी वला यंसा ना वह भुलदा ना उन्होंने कोई गलती लगती है इस तो खुदा का दस्या असी दस यह एक गल सी जिस तो असं अल्लाह के नबियां पिछे अखा मीट के लग गए बे यार ठीक है एक ग्रोह काबले इतमाद है अल्लाह की तरफ बोल मगर जे हा ही चंद चढ़ाए ना तुहाड़ियां गल्लां सही है मनीए तो पिछलियां नूं भी सलाम तो मिर्दे नूं भी सलाम नवें नूं की मनना पिछलियां नूं छड्डिया बेहोश होकर डिग गया मगर तुसीं नवां मनाउंदे जे तुहाड़ियां कारस्तानियां ते दलीलां इह दसदियां पिछले भी झूठे सी कहणगे फिर उन्होंने नहीं किया मैं आख्या निकल आवे यूनुस अलैहि सलाम दा क्या मेरा नक वर जो कहणगे तफसीर च लिखिया उस्मानी साहब ने मौजूदी साहब ने फरमाया सब ने झूठ लिया कुरान साढ़े को मौजूद है अल्लाह के रसूल भी सुनत मौजूद लिया जिते यूनुस अलैहि सलाम ने आख्या क्या अज़ाब आऊगा तो नहीं आया जिस पारों मेरे अजीजों दोस्तों मैं ना जिहाद करने वाले बंदे ना मरवाई दो ये मेरे नाराज़ होंगे मेरे तो बड़ा जिहाद में मनने वाला कौन है जिसे रूह रूह से गल कि इस्लाम गालिब नहीं आता दीन कोई शायद मगर यह जिहाद का कोई तरीका नहीं जिन्हें बच्चों ने आलम बनना सी और दुनिया के स्टेजा से खड़ो के कुफार लड़का मरवाते दूजे बच्चे अगे ही बदमाश है गाने सुनते बदमाश है दीनदारों को उधर घरता मार दो ताकि मुल्क खाली हो जाए तो बदमाश हुकूमत जी मौज मेला करे ये सिर्फ एक उन्होंने चाल चाक है वरना इन्हों आलम बनाए और एडे वे आलम बनाए बे दुनिया सारी च घूम जाते और यहूद नसारा हनूद न बुद्धा आते क्या हो एक पासे मुहम्मद रसूल सर खाल सोना एक पासे खोट है तुर्क तू समझाइए कि दीन क्यों सच्चा दलील ना वढ़ना टुकना नहीं ना वढ़िया टुकया कोई ईमान लिया दहशतगर्दी इस्लाम ने क्यों करनी दहशतगर्दी तो करे जरा झूठा हो गल नहीं बनती चलो बंदे डंडे सोटे ना मनाओ वो इस्लाम तो बुरहान रखता हर गल की तो कोई दलील है मंत के अंदर हाथ बुरहान साधी सच है जित लिया दलील इस तो यूनुस अलैहि सलाम भाई कोई नहीं है क्या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गया सी जी करने वास्ते सुलह हुदैबिया और बात होर पासे निकली ये चालना दसदा चोड़ की है इस कादियानी का नबी बन जाओ पेशगोईयां करो और झूठियां निकल मुहम्मदी बेगम ने 25-30 साल दवाई दो कि इस औरत ना मेरा निकाह होना वह होरथा हो गया फिर वही आई बेखाम का मरूगा बेवा हो नहीं आई मरण तक नहीं आई मिर्जे ने गल की बना ली जे मिर्जे जी नहीं सच्चिया नहीं कई नबी नहीं सच्चे तौबा तौबा इस जो सारा कारनामा वह नचोड़ है भाई मिर्जे के नाल पिछले सारे नाकाबले इतमाद ठहरा दिया कि झूठे से उन्होंने कोई पेश नहीं है इस तो रब अंदर मैं इस गल इतने मुख्तर करा लंबी हो जानी गल मैं उत्थे क्या मुबशर साहब न तिहाल के अंदर कादियानी बुलाओ एम डी बुलाओ सारे पाकिस्तान के मैनू सदो मेरे को नबूवत एक लैक्चर कराओ कि नबी हों की है तो बाद करो सवाल फलाने नबी ना होया तो मैं मना ला दिया तो समझाव नबी जे खरे होंगे वह की होंगे तो झूठिया का की हाल है गल कर दौ डिप्टी अब्दुल्ला हसन ईसाई 15 महीने मरूगा नहीं मरे कुछ ही नहीं बनया और 15वें महीने आखिरी तारीख जिसे सी उस मिर्ज़ा गुलाम ने थोड़े जा रोड़ पढ़ के दिते इन्ना और कादियान की मस्जिद बेहोश हो के कादियानी डिगन तो रोड़ दिते बजाओ जंगल के अंदर फलाना खूह जड़ाना वे जाके सड़ जाओ पिछा ना वेखे मुड़ के सारे किते कुछ नहीं हो सूरज डुब गया अब्दुल्ला नहीं मरिया मुरतद होया सी साई उन्होंने हर शहर जलूस कढ़े क्योंकि कमबख्त ने कहता सी अगर ये ना मरे तो इस्लाम ही झूठा ये नहीं मैं झूठा इस्लाम ही झूठा
पादरियों को मौका मिल गया कि इस्लाम लिया हूँ तो झूठिया पेश गोईया गलत निकलिया और कहर खुदा दा बाइबल चो एक गलत हवाला इलते बोतान ये खुदा की किताब है रद्दो बदल बखरी गए एवं ही है इस तरह कोई नहीं भी लोगों ने सारी अपनी किताब उड़ाती थी पढ़ते नहीं लोग इन 400 नबियों का किस्सा लिखा कि 400 पैगंबर से उन्होंने एक इसराइली बादशाह ने पूछा कि मैं फलां ते हमला करना चाहना मैनू दसो कि मैं जितूंगा या हारूंगा उन्होंने आख्या भी तू जितेगा उन्हें चढ़ाई करती मारिया गया एदा हवाला दे के 400 नबी झूठा निकलिया इस तो मैं झूठा निकला तद की खुदा की लानत है झूठा वो सच्चे नबियों की गल से वह सारे बुतों के पुजारी से मंदिर के महंत से जिन्होंने बाइबल च उन्होंने बुतों के नबी कहा जाता उन्हों की पेशगोई उन्होंने खबीसा ने पेशगोई की जोड़ा सच्चा नबी से उस जमाने का वह लिखा नहीं कि जो को बादशाह ने आख्या तू अल्लाह का नबी है सच दस दे उन्हें आख्या बादशाह जो सच पूछना तो तू मारिया जाना मीका नबी ने कहा तू मारिया जाना मारिया थप्पड़ उन्होंने दूसरों ने और महंता ने उन्हें आख्या किधरों की आया तेरे को फरिश्ता मगर सच्चा वही निकलिया मगर सच्चा नबी जोड़ा से उन्हें क्या सी मरना तू तू इस किताब ना धोखा करना उन्हें 400 झूठिया बुतों के पुजारियों खुदा के नबी बना ले अपना उल्लू सीधा कर ली वे मैं नहीं सच्चा निकलिया 400 कितने निकले मैं 100% तेरिया गल् मान लीए भी 400 नबी झूठा निकलिया यूनस झूठा निकल नतीजा की निकलता नतीजा यह निकलता बे एक हक प्रस्त आदमी सारे नबियों को जवाब दे यार भी कोई काबिलियत मादरिया नहीं नबियों के कोई कोई शह मैं एक गुरदी गल दसती जे इस तो कोई बहस ना करे मेहदी आना कि नहीं ईसा मर गया सारिया इन्होंने वक्त टालनी बनाइया गल पोल नहीं दसते भी नबी बन के खोल की खोया कुर्सी से कब्जा कर लिया पेशगोईया झूठिया खिंचिया और मुड़ के बहाना बना लिया भी मेरिया नहीं सच्चिया निकल पिछले नबी भी झूठे ने और तौरात ना कहता मैं तौरात चाहता भी नबी झूठा हो कतल किया जाऊगा नहीं कतल किया नहीं जाऊ कतल किया जाए हुक्म है करो जिमें सानू हुक्म है कुरान से हाथ तोड़ते बढ़े नहीं बढ़ते साड़ी बदमाशी है तो अल्लाह का हुक्म सी कि झूठे नबी अगर इस्लामी रियासत पैदा उनको कतल किया जाए और पहचान दस दी कि नबी अगर कवे कि अल्लाह की तरफों गल तो सच्ची ना लेकिन समझ लो कि अल्लाह का नबी नहीं झूठा नबी ए सच कतल होना नहीं कतल सच्चे नबी भी होया ए पहचान है तो पेश कोई नहीं सच्ची साबत रसूल करीम अलैहि सलाम दी जिन्नियां गल्लां सुलह हुदैबिया दूजे साढ़े लोग लुच तरते रहेंगे भी नबी पाक नूं इल्मे गैब नहीं सी तो सारी गल का मौका नहीं सुलह हुदैबिया तो आप पता कोई नहीं अमरा होना ये फिर कभी बयान करूँगा कोई मुकाबला नहीं सी आप जान बुझ के आप गया से इस तो सिवा रस्ता ही कोई नहीं सी 22 साल जाइए उन्होंने मुँह च सप के किरनी फसे मजबूर न सुलह कर और अगले साल रस्ता खोल जाए सारा कुछ आपको पता से इस तो हजरत उमर ने जो झगड़ा किया आपने कहा किदन तेन आख्या 22 साल उम्र वाला बस क्या सी फिर मेरे गल कर कुछ नहीं मगर एक गल उत्थे ही दसदा ना कि टुरना फिर ये सुलह तक नौबत ही नहीं सी आनी हिकमत से जी अल्लाह के पैगंबर हूँ सी ये कोई बवे मेरे को समझे कि नबी की होंगे भाई खुदा दी नबी बहुत उच्चा मनसब है वह इदा की गल नहीं भी गल करती मुड़ के झूठे के दंद विखाते यार मेरी नहीं निकली तो फलाने नबी की भी नहीं निकली ये झूठिया का कम है जिन्हों से खुदा की लानत है उन्हों का कम है सच्चे नबी ऐसे कभी नहीं कर सके सच्चे दंद आओ मैदान कहती अगर होगी हूँ नहीं कर सकती इस तो खुराफात तो जान फड़ाओ करन दा काम है जिहड़ा अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी मर गया अल्लाह दी बेशुमार उन्हें आख्या मुजाहिदो और बचियो तुसीं ठीक जे मगर एक काम ते जो कुरान ते अमल नहीं किया कि पहला असला तैयार करो कित्थे असला सारा उत्थों यूरोप तो लेंदे जे अज फाजल पुरजे रोक दैन तुहानू ना देन पुरजे कद ना तुसीं अपने हथियार ठीक करने तुहाडे कोल इन्ना वी नहीं कोई कारखाना कि अपने हथियार बना सके इस तो पहला कुरान ते अमल करो कि अपने मुल्कां च असले तैयार करो कि जिहदे जरिए तुहानू काफरां दी फिर मुहताजी ना रहे और दूजे पासे इन्ने नेक बनो परहेजगार बनो कि वडन ना जाना पवे दुनिया आप कवे भई यार जिस कौम दे नौजवान एडे नेक ते पाके उम्मत दाखिल होना चाहिए अपना किरदार दिखाओ है और इलम होना चाहिए और इलम के अंदर ये जरूरी है इलम नूं खुराफात तो पाक करो मैं साफ कहना कि तुहाड़ियां तफसीरां तुहाड़ी हदीस दी शरह तुहाड़ियां तारीखां इन्हां गप्पां पढ़ियां बहुत अफसाने पढ़े आ जिन्हां पारों दुनिया मजाक उड़ाउंदी क्या इलम दे फिरदे ऐ दंके दी चोट मैं मिंबर से कह रहा बड़े बड़े ऐसिया नादानी दी गल्लां लिखदे कि हैरानी होंगी बेहो दूजे थान लिखा से है इन्हों अकल ही नहीं कि असी कोई चज की गल करी जिन्हों से एक वाक्या सुना दें तुम्हें कि जिन्हों पैगंबर के कतल होने का जिक्र है उन्होंने एक हजरत यहया अलैहि सलाम और एक मुसलमान ने मशहूर किया ज़करिया अलैहि सलाम शायद ही कोई ऐसा मौलवी हो जिन्हें कभी इन्हें सुनाया हो बे जरा अल्लाह तो सुहा किसी को मदद मंगे वह हशरा होंगे तो उस हजरत ज़करिया अलैहि सलाम फड़िया तो ज़करिया अलैहि सलाम के पिछे काफर कौम दौड़ी वो नठे लुकन थां कोई ना लब्बा अगे एक दरख्त
उन्होंने उस दरख्त को आख्या मैनू पनाह दे। दरख्त फट गए, हजरत ज़करिया उहदे च वड़ गया, मगर शैतान ने थोड़ा जिहा पल्ला बाहर खिंच लिया, बाकी दरख्त सारा मिल गया, उस लुक गया, पल्ला बाहर रहा। कौम ढूंढदी आई, उन्होंने खुराक कढ़िया, खोज इत्थों तक आवे, अगे ना पता लगे भी किधर गया ज़करिया अलैहि सलाम। शैतान ने आख्या अज कमीज दी ऐ बाहर पल्ला इहदे विच वड़िया, उन्होंने फिर उत्ते रख दिता आरा, चीरदे चीरदे जिसे आए सिर ते आया आरा, ते हजरत ज़करिया अलैहि सलाम जिहड़े से रोण लगे लगे चीखन, वही आई जो हूँ चीखे उन्होंने ना बाबा तू कट दूंगा बार। हूँ इस दरख्त को कह तेरी मदद करे क्यों इसको बना मनी निरी गप ते वड्डा झूठ। किसी ने हजरत ज़करिया अलैहि सलाम नू जिहड़े याहया अलैहि सलाम दे बाप कतल नहीं किया, दुआई खुदा दी अपनी मौत मरे, किसी जगह सबूत नहीं ज़करिया अलैहि सलाम कतल किए गए, ना वो दरख्त वड़े आ ते ना दरख्त तो पनाह मंगी है, ना किसी ने उन्होंने आरा रखिया, आरा जिते रखिया जिन्होंने चीरिया। पिछले जुम्मे तुम सुन कि हज़रत यसीअ अलैहि सलाम है जिन्हों के जमाने चार इसराइली बादशाह गुजरे, जिन्हों एक नाम राज उन्हों का दामाद सी मस्से जे हुक्म ना फरवाड़ी ना चीरे गए, हज़रत यसीअ अलैहि सलाम चीरे गए, वह भी पनाह नहीं मंगी जना कोई साफ सीधा चीर, जालम जिहड़े से उन्होंने जुलम किया, अल्लाह का पैगंबर ना हक चीर के रख दिता। ये हज़रत यसीअ अलैहि सलाम की ज़करिया अलैहि सलाम जिहड़े हज़रत यहया के बाप जिन्हों का कुरान जिक्र किसी नहीं मारे, ये अपनी मौत मरे है कतल नहीं है। हज़रत यहया अलैहि सलाम कतल है, हज़रत यहया अलैहि सलाम को कतल किया गया, मगर इतने भी इलम की खातर कि जब तक इन्हों दाखिल ना करो कोर्स, 8-8 साल हो गया तालिबे इल्म पढ़ दो के ईसाई मत्थे लगता है किहड़ी गल करनी, इन्होंने ये जानते ही नहीं कि बाइबल की और ईसाई की आते तो यहूदी की आते की इस्लाम इन्होंने फैलाना। जामिया सलफियाज पढ़ाओ, उस्ताद होवे जिहड़ा बाकायदा पढ़ाए कुरान ना तकाबुल करे कि किहड़ी किहड़ी गल कुरान ना रलदी है, कित्थों हट गई है, क्यों कुरान फिर सच्चा है क्यों झूठी है। कुरान नूं सच्चा करके विखाउणा है, ये अंदर वड़ के हुजरियां च गल्लां नहीं होणियां कि ईसाई यहूदी झूठे सी, उहनां च बड़े बड़े आलम है, कुरान हदीस दे फाज़िल है, उन्हां नाल गल करनी, इलम चाहीदा। तो ज़करिया 26 होया तौरात दिन, 26 आदमी जिन्हां दे नां ज़करिया सी मुख्तलिफ तरीके, मगर ये सुनी सुनाई गल्लां पर इदां ही है बे हज़रत ज़करिया का पता सी याहया अलैहि सलाम दे बारे दा, उन्हें मरवा छड़िया, मारिया होर ज़करिया नूं, कई सौ साल पहला मारे गए, वाकई वह कतल होया मगर वह ज़करिया होर पहला होए, बहुत सदियां पहला, ना उदों हज़रत याहया अलैहि सलाम सी, ना यह ज़करिया सी, ना हज़रत ईसा अलैहि सलाम, 500-700 साल पहला की गल है। और इतने इस इंजील की गलती, इंजील च गलती हो गई कि मत्ती ने जो ये बात लिखी कि ईसा अलैहि सलाम ने आख्या कि तो हज़रत हाबील तो लैके आदम अलैहि सलाम के पुत्त तो लैके हुण तक जिन्हें तुसी कतल किए ना उन्हों का खमियाजा तुहानू भुगतना पैना, अल्लाह ने उहदी सज़ा देनी है, क्यों तुसी खुदा दे नेक बंदे कतल करते रहे। तो लिखिया ऐ इंजील मत्ती है 23वां रुकू है दा और 35वीं आयत, ताकि सब बेगुनाह खून जो जमीन पर बहाया गया तुम पर आए। तो हुण वक्त आ गया, अल्लाह ने आखिरी मौका दिता, मैनू बिन बाप पैदा किया, मुरदे मैं जिंदे किए, कोड़ियां नू मैं ठीक किया, अन्यां नू अखां दित्तियां, तुहानू शर्म नहीं आई, तुसीं उल्टा मेरे दुश्मन हो गए, मैनू मरवाउणा चाहुंदे। हुण सारा खून लैके ना जिन्ना जमीन ते होया रब ने उहदा हिसाब तुहाडे कोल होणा, तुहाडा अशर बहुत मंदा होणा। होया बहुत थोड़ी देर बाद 70 ईस्वी च आया फिर टीठ, जिन्हें मैं दस्या ना शहर रहन दिता, ना मस्जिद रहन दिती, ना यहूदियों का नामो निशान रहा, फिर सदियां तक जरीलो रुसवा होंदे चले। तो ईसा अलैहि सलाम ने कहा कि जिन्ना बेगुनाह का खून जमीन तो बया उहदा हिसाब तौर ते लेना, हबील रास्तबाज के खून से लेकर ज़करिया बिन बारकिया के खून तक जिसे तुमने हैकल और मजबा के दरम्यान कत्ल किया, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सब कुछ पुष्ट पर आएगा। यह बच्चे मेरे बैठे बाइबल स्कूलों जाते थे, यह पादरियों को फड़ लेना, यह हुण इत्थे लिखिया अगे जाके लूका ने यही गल लिखी है, उन्हें जो सुहाने उमरी लिखी सारे से उसे बरकिया नहीं लिखा कि ज़करिया बिन बरकिया, वो ठीक कर गया, ज़करिया सिर्फ लिखा बच गया, इन्हें मत्ती ने लिखा कि ज़करिया बिन बरकिया बाप का नाम लिखा। हुण दूसरे पासे अखबार कढ़नी, वह भी किताब है जिहड़ी तौरात दी, दूसरी अखबार 24वां रुकू 21वीं आयत, उत्थों कढ़ के वेखना कि यह जिहड़ा ज़करिया बिन बरकिया नूं किसे कतल किया, यह गलती कुरान ते इतराज़ कर देंगे, कुरान चा लिखा जी इहदा हवाला, यह पुछना है कि इत्थे साहब मत्ती ने लिखा कि ज़करिया बिन बारकिया बाप का नाम लिखा, इहनूं कतल ही नहीं किसी ने किया। क्या मूसल किताब कढ़ के पढ़नी है? आप पादरी ने कहा कि बिल्कुल कोई सबूत नहीं किसी को कि ज़करिया बिन बारकिया कतल किया गया। कतल कौन होया? ज़करिया बिन यहूयदा, बारकिया नहीं होता बाप, यहूयदा बहुत मुद्दत पहला होया, वह रहता बयान है।
और वाकई उन्हें जालमा बेईमान ने इस तरह ही किया कि जैसे उन्हें बुराइया तो रोकया, उन्हें आख्या हट जाओ, ये क्यों शिरक शुरू कर दिता तुम इसराइली बादशाह ने, क्यों महल महल गाने हो रहा है, क्यों बदमाशियां हो रही, तो ऐन मस्जिद के अंदर मेहराब दे विच उसने एक बंदे ने इन्होंने तबाह किया। ये चौवी रुकू के अंदर उस आचा और यहू जिला बूढ़ा और दिनों से शेर और बाद बेटे का जिक्र तब खुदा उनकी रू जक्रिया बनी यू यादा कहन पुत्री तो लोगों के आगे खड़ा हुआ वाद किया और युवाश बादशाह ने उस मेहरबानी को जो उसके बाप यूजादा ने उस पर की थी। वह बाप बड़ा नेक सी, उन्हें इन्होंने इसराइलियों सीधे मगर वह लिहाज भी नहीं किया, बेदा बाप एडा नेक सी याद ना रखा बल्कि उसके बेटे को कत्ल किया जिसने मौत के वक्त कहा खुदावन देखे और इंसाफ करे। तो मरन लगा क्या गया बे अल्लाह वेखदा मेरे ना जो जुल्म हो रहा तो हम इंसाफ होगा तो पुछना पैना। यानी उत्थे मत्ती की लिखा गया जकरिया बिन बारकिया, गलत बाप गलत लिखा गया जकरिया बिन यहू यदा, ये होर आदमी है, यह कतल होया जकरिया बिन बारकिया जी किताब है जकरिया नबी होनी कतल है। इस तो मुसलमानों का भी झूठ कि जकरिया अलैहि सलाम दरख्त बड़े आ रहे ना चीरे, बिल्कुल झूठी है और कमाल है बड़े बड़े बंदे। ताज मैं ना इलम से पाक करो, ऐसा मदरसा खोलो जिते आलम बह जान सारिया किताबों कोलों से छांटी करी जान, क्या झूठ है, इबने कसीर का भी झूठ है, इमामे तबरी का भी झूठ है, साफ करो। हुण यहया अलैहि सलाम के बारे देखो एडा वड्डा आलम है इबने कसीर और तारीख लिखी अलबिदाया वरना 14 जिल्दां उस इमाम इबने जरीर तबरी है किड्डी वड्डी गप मारी, एडा वड्डा झूठ कि कदना तालिब इल्म भी जानता कि अफसाना आंदा जैसे यहया अलैहि सलाम कतल हो गए तो फिर बुख्त नसर बादशाह ने बाबल च हमला किया। बुख्त नसर ने आके जो वेख्या तो यहया अलैहि सलाम के सिर चो खून जारी सी, उदों का वगी जाता सी बंद नहीं होया, लोगों ने बड़ी उत्ते मिट्टी पाई नहीं बंद होंदा सी, टीला भी बन गया मिट्टी का खून ना बंद होए। उन्हें पुछया की है, इन्हां यहूदियों ने आख्या अल्लाह का नबी सी यहया जिन्हों असी कतल किया तो खून बह रहा, उन्हें आख्या बस हुण इहदे बदाने मैं 70,000 यहूदी कतल करूँगा। उस पत्थर से जिद सखरा से हजरत यहया अलैहि सलाम का सिर पिया सी उत्ते 70,000 यहूदी कतल किया। फिर कई लोग जोड़े से माइयां बुढ़िया आके रोइया भी आइया हूँ बंद हो जा वरना इसराइली कोई नहीं रहना, हूँ तो खुदा का नाम तेरा सिर का खून बंद हो जाए। क्या अफसाना बनाया, इसे इबने कसीर को पता अपनी तारीख से लिख चुका, इमाम इबने जरीर अपनी तारीख से लिख चुका, तफसीर भुल गया उधर चंगा अपना पता बे बुख्त नसर से ईसा अलैहि सलाम तो यहया अलैहि सलाम तो 600-700 साल पहला आया, उसका हमला अलग से उदों यहया अलैहि सलाम कितने से ईसा अलैहि सलाम किसे कौन कतल होया कि खून बहता है। इस बारों तख तारीख जाके अब तबरी रल कामिल जिबने असीर ने कहा दुआई खुदा दी जिहड़ियां असीं गल्लां लिख चुके हैं कि यहया अलैहि सलाम कतल होया, ये सारिया लोगों दी बातल गल्लां सी एवें सुनी सुनाई लिखी हकीकत कोई उत्थे दिमाग ठीक होया। मगर तफसीर इबने कसीर हुण भी कढ के वेखो इबने जरीर वेखो पढ़िया कि यहया अलैहि सलाम का खून मेरा बुख्त नसर आया, और बुख्त नसर तो हर बंदा जो तारीख कढ के वेंदा इन्हां दे जम्मण तो भी पहला 600-700 साल पहला का किस्सा जदों उन्हें यरूशलम ते हमला किया। ये खुराफात रफसाने जरा मैं ना दरसा पढ़ा तो चज ना पढ़ाओ, ये बच्चे निकल और दुनिया जान जान तो सारे यहूद नसारा के सामने सीना तान के खड़े हो, क्या हो कुरान के सामने, कुरान में किसी गलों चुप्पा करो तुम आते जी सुनी सुनाई गल। एक पादरी ने लिखी है यना बी अल इस्लाम बड़ी खबीस ने मेहनत की दुनिया जहान के हिंदुआ बुद्धा सारिया जी किताबा फोल के ना जिमें रसूला को बड़ी लाइब्रेरी से बड़े इतों जी ये हारूत मरूद का किस्सा लिया इतों यूसुफ का लिया इस राम कुछ भी नहीं जी पुराने के किस्से हालांकि बिल्कुल झूठी गल है। वो किताब जरा बेल इस्लाम रख लिया वो सिर्फ ना है कि किस्सा है, कुरान च पढ़ो गल ही होर जी उत्थे लिखी बिल्कुल होर अफसाना कुरान होर गल दस ए चोरी की होंगी हूबू वो गप मारता जी नहीं खालस शायद पेश करता कि वह झूठ है हकीकत है। और जब आदमी कुरान पर गौर करे वह आपे दिल गवाई जाता और जज की हसीत आता बे बाकी यार कुरान का बयान जरा माकूल है। मैं एक मिसाल के तौर आना यूसुफ अलैहि सलाम का किस्सा इस भी पढ़ो तौर बाइबल कुरान मजीद चो पढ़ो पहला जब कुरान मजीद सिर्फ वह गल् आनगियां जिसे किसी नबी का वाज आऊगा लोगों को दीन दसता आऊगा, ये ना नूह अलैहि सलाम का कोई वाज है ना कोई यूसुफ अलैहि सलाम कोई नहीं, तौहीद नहीं दीन नहीं कहानियां कैदा मिसर गए जेलां पुगदियां कुछ नहीं, ये खालस होना कुरान कि नबी दस दे की ये दावत है तालीम ये है नहीं खाली। और नाल एक गल देख लो जब तो हर आदमी कहूगा अगर जज बैठा हो सैशन जज कहो बिल्कुल कुरान सच्चा कि यूसुफ अलैहि सलाम को जो भरा पहली बारी गए उस कुरान मजीद आता बाइबल च आता कि यूसुफ अलैहि सलाम ने जोड़े पैसे उन्होंने को लै
मुड़ के उन्होंने छट्टा च पाते बिचे उन्होंने बोरिया के पाते दसिया कोई नहीं वतन गया उन्होंने खोलिया बिचों निकल उन्हें आख्या अब्बा जी साढ़े पैसे ही मोड़ते बड़ा नेक बादशाह निकल अच्छी गल हूँ दूसरी बार जो गए ये तौरात फिर आँगी तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने नौकरा को कह के पैसे सारे रखवाए सारे कुरान बच गया कुरान खुदा का कलाम थी उन्हें गलती की उन्हें आख्या नहीं दूजिया छट्टा पैसे नहीं पाए सिर्फ अपने भरा दे किसी नौकर को नहीं पता यूसुफ अलैहिस्सलाम ने आप रखे सोने का प्याला रखिया क्यों अगे खुतबा हो चुका सिर्फ इस तो जिस गली पहला पैसे रखे थे बैबा जी भी गरीब है भी दसना नहीं सी अल्लाह का हुक्म जा के वरत लैन सोना वरत लैन उन्हें इस नहीं जितना रखिया हूँ ये फर्क की पिया जो दूजे भरावान से भी रखवाए थे नौकरा को तो जो चोर बनाया बिनियामीन फिर प्याला निकला नौकरा ही बनाया यूसुफ अलैहिस्सलाम नहीं कलिया नौकरा भज पै तो बादशाह का सोने का जाम किथे गया वल के लाया यूसुफ अलैहिस्सलाम फिर सोचा वेखो रब ने की किया मेरे दिल की सी अल्लाह ने की सबब चुप कर चोर नहीं आख्या कुछ नहीं हूँ जे दूजिया ने भी रख दिते सी पैसे दूसरी बार भी जिमें बाइबल आँदी है तो उस वेले ना आते बेने तो प्याला चोरी किया साढ़े पैसे बच्चे किन्ने रखे यूसुफ अलैहिस्सलाम के पल्ले कोई गल रह जानी दूजी बारी नहीं उन्होंने रखिया गल छोटी जी है मगर कुरान दा इहदा फर्क समझो कुरान खुलदा नहीं दूसरी बारी नहीं दूजिया के पैसे इन्हें रखे वरना अगर तलाशी होंगी उन्होंने भी निकलाते उन्हें आखिया चलो इन्हें तो प्याला किया चोरी असं जो तेन फराए से पैसे हूँ किने रखे साढ़े पहली बारी जी गल वखरी थी ना किसी को याद सी इतने तो कहते क्या साढ़े किने रखे फिर दूसरी बारी नहीं रखी और नाल नौकरा को नहीं फिर रखवाए पहली बारी नौकरा को रखवाए इस वेरे आपे रखे क्यों इस वे इरादा कोई नहीं सिर्फ भरा की मदद करनी सी नौकरा आप फट के लै आते नौकरा को रखवाए आते तो यूसुफ अलैहिस्सलाम उन्होंने नज़र जलील हो जाए कि साढ़े को रखवा के उन्होंने भरा चोर बना फिर ए मैं एक छोटी जी मिसाल के जरिए दसिया कि मैं इन्होंने दोवों चूंके सामने करके पढ़ना कुरान रोशन नजर आता कि सूरज या जितते दाग नहीं ये खामी है ये इंसाना की लिखी है कोई ना कोई खलर रह जाता तो याह्या अलैहिस्सलाम के सिर ने कोई नहीं इन्ने सौ साल वो खून निकलता रहा ना कोई बुख्त नसर आया ये तफसीर इब्ने कसीर इब्ने जरीर का झूठ है बाद चुना भी दिमाग अपनी तारीखा ठीक है बुख्त नसर छः सात सौ साल पहला वो याह्या अलैहिस्सलाम के कतल किए थे तो ज़करिया किसी बंदे ने आड़े ना नहीं चीरिया ये हम तो सुन लो जदली मैं ना खुदा का ना मनो दरसा कुछ ना पढ़ाओ फर जो एक किताब ही रख लो बुखारी शरीफ ही ना रखो अबू दाऊद सिर्फ एक तिरमिज़ी शरीफ रख लो क्योंकि वड्डियां किताबा तालिबे इल्म आपे पढ़ते फिरनगे एक किताब और सबक इदा देन उस्ताद कि जिदन तिरमिज़ी शरीफ पढ़ाउणी होवे जिहड़े जिहड़े रावी आउंदे ने उन्हें किताबा उहदा रिजाल दियां पईआं खुद कुछ ना दसन तालिबे इल्मां नूं आखण कढो भाई ये रावी कढ के पढ़ो ये सिक्का या झूठा या की राय दे बारे मिले एक दूजे नाल कि नहीं एक किताब इदा चाजना पढ़ा देना अठ दस साल तो सारे हदीस से फादल हो जाएंगे हर किताब में परख सकेंगे इदा कि तुम अंदा तुम पढ़ाई जाते कोई तलबे सुते होंगे कोई जागते होंगे कि समझ आई ये इलम पढ़ाते दौरा कराता दौरा ही है बस पिया होर कुछ गल इदा पढ़ाओ कि परखना आ जाए ए परखना जरा उस तुम दसिया हूँ किन लोगों ने कहानी बनाई ज़करिया अलैहिस्सलाम जरा इस तरह आ रहे चीरिया गया ए भी दस ए शुक्र है किल मेरे जाल से किताबा लिखिया उलमा ने छानबीन की उन्होंने किताबों को कोल रखना चाहिए और बिल्कुल ऐसी मशल है और ऐसा नूर है कि उन्होंने होंदया बंदा बचता है अलबेदा जिमने कसीर लिखते कि इसहा किबने बिशर ने किताब मुफ्तदा से वाकया लिखा किबने अब्बास आंदे और रसूला ने बयान फरमाया हूँ जोड़ा बंदा मीजान ने दाल कढ़ूगा वेखूगा कि साहब पेन बिशर कौन है जिन्हें किताब मुफ्तदा लिखी है गां के जड़ी वक्री लिखने वाला कौन है कज़्ज़ाब मन कड़थ दिशा बना के लोगों के नाँ से लाने वाला इस तो खुद किताब का लिखण वाला झूठा पूरी किताब ही उन्हें जाली बनाई है उसके हवाले दे के गल्लां कीतियां जांदे कोई इलम किताब चुक लिया जी मैं विखाने बे इलम नहीं इसहाक बिन बिशर दा कट के साहब किताब अल मुफ्तदा जरा की लिखता है इमामे साहब कि उलमाए हदीस एक ने भी नहीं मनिया कि आदमी सच्चा सब ने कहा दज्जाल है कज़्ज़ाब है झूठा यानी पूरी पूरी किताब साढ़े गल पा गया तो मुसलमान इसे पूछण पै जाए खुराफाज फसे रहन किधरे मरदई चोलू सीधा कर लैन किधरे दूजे सीधा कर लैन ये फसाया इन्हें ही नहीं सन उलमाए किराम ने खिदमत भी की मगर थोड़े ज्यादा ने ऐसा समझो गंद पाया कि वह काफिर उस हवाले कर लेंगे वो साढ़े मत्थे मार देंगे कि तुहाड़े पैगंबर का की हाल हूँ सदाए फितरत पढ़े आदमी के पले की है कि तफसीर लिखे रसूला आशक हो गया जन्म से बिचो आखन इन जैद छड़ दे उत्तों तू आखन छड़ी ना आशक हो गया कि उन्होंने नंगी वेख के तौबा 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 कोई नबी पाक की गल कर दिया जी कि किसी नाम मुराद कंजर की कर दिया जी शर्म नहीं आई किताबा च पढ़ तो काफिर इकट्ठिया कर लें ऐसाइया बनाई है सदा है जमीर कि जड़ियाँ फिरायत उतरिया नबी पाक के अंदरों ही फिर आवाज है भी कम तो भैड़ा किया
तेरा पोथी तू यदि बीवी ले ली है, इस तो फिर तो अपनी गल् जानता तू सारियां कुरान मंसूरा साहब जा। मैं इशारे करी गल इस पारों के सारिया तनजीमार जमात मदरस खोलन उत्थे अच्छे आलम तैयार करन जिहड़ा खालस दीन खालस तफसीर खालस हदीसा खालस फिका खालस तारीख पहला इलम से अपना पाक कर लो। तुहाडा इलम नहीं गंदा तुसीं दुनिया जान नूं क्यों वरदे फिरदे, कोई हक नहीं। और यकीन जानो जिहड़े बंदे मारदे फिरदे ना अपने मनों ठीक है, जिहड़े लोग इराक च मुजामत कर रहे अफगान ने वो मुजाहिद बिल्कुल मुजाहिद है। काफिर जो मुसलमान के मुल्क आवड़े उत्थे फिरे नेक बद दा सवाल नहीं। मुसलमान से फर्ज होंदा कि अपने इलाके चो काफर नूं बाहर करन, हुजूम लो दो दिन तक दुश्मन मुसलमान के मुल्क, मगर आज जो अगों बद के जाके लोगों को बढ़ना टुकना है कोई इस्लाम नहीं आता देना यदा कोई फायदा। ये ज्यादती है भी उन्होंने दीन ना सिखाया जाए, वो बेचारे अपनी जात समझते भी हिंदू मजहब सच्चा है ईसाई सच्चा है, असं उन्होंने दीन सिखाइए कोई ना मार दी जे कयामत दिन उन्होंने आख्या ला ये सानू जन्नत कर दे सानू दसदा दीन दस दे असीं जन्नत मार नहीं आ गए। तो कुछ खौफ है खुदा करो खालिस दीन ए नमूने के तौर हज़रत ज़करिया और यहया दा बयान तुहाडे सामने करता कि किड्डे अफसाने मशहूर ये सारे तुम सुने होने वड्डियां बजुर्गों से जरूर सुने होने कि ज़करिया अलैहि सलाम आ रहे ना चीरिया गया पुरानी गल खुराफात बिल्कुल बेहूदा गल्ला ना ये तौरात है ना ये कुरान है ना कोई हदीस है मन करता नहीं। इसहाक बिन बिशर दज्जाल ने किताबुल मुत्ता लिखे ऐसी कहानियां सलामत वाली। अरे खोर दज्जाल अब्दुल मुनिम बिन इदरीस बिन सनान ये बड़ा दज्जाल है ये भी कज़ाब है, कौन एक किताब बनाई है और वह भी मैंने मुरब्बे के जिम्मे लाती इस बड़ा झूठ लिया। और यदि कहानी है जेडे मौलवी पूरी रात लंघ जाती है कि रसूल करीम अलैहि सलाम की वफात का वक्त आया तो अज़राइल आए दरवाजे से खड़े हो गए, दरवाज़ा जोर जोर ना खटकाया, आपनों से बड़ी तकलीफ सी, बीबी फातिमा ने आख्या तू कोई बद्दू होश कर हजूरों तकलीफ है, फिर खटकाया, फिर आपने आख्या फातिमा खोल दे दरवाज़ा है यतीम करने वाला बच्चों को औरतों बेवा करने वाला ये तो मेरी इज्जत पारों इजाजत ले रहे हैं इजाजत की जरूरत। एक कई सफ़ों की कहानी है जिस लंबी चौड़ी आपकी फात की दास्तान है बिल्कुल जाली मन कर चा। और इसे अब्दुल मुनिम बिन इदरीस का कारनामा इस दज्जाल ने कर करके सलाम तवाड़िया। तो अज के खुतबे कतले अंबिया के सिलसिले तुहाडे सामने कुछ चीज़ा आ गई कि सच्चे झूठे नबी की कोई पहचान नहीं, कोई कतल हो जाए तो झूठा हों बचार जिंदा हों पछाणा होर है। ये अल्लाह तला ने एक गल कही है कि सच्चा नबी अल्लाह के कलाम च मिलावट नहीं कर सकता भावें सारा जहान कवे, अगर वह करे अल्लाह उसकी शाहरग वढ़ती ना उन्हें करना ना उसकी शाहरग वढ़ी जाती। तो तौरा हुक्मे कोई नहीं भी झूठा जरूर कतल हों, कतल किया जाए हुक्म है करो कतल करते लोग या नहीं करते ये भी कोई सच्चे झूठे की पहचान नहीं। पहचान पेश गई अगर वह कहे अल्लाह ने मैनू आ गल कही कि इदा होना तो ना हो नहीं हो सकती है गल है। एक ही तुहाडे सामने मिसाल के तौर अर्ज करा अल्लाह के रसूल के मौजजात तो बेशुमार है। अल्लाह ने अपने नबी ने मुसल्ला किया कि दुनिया वेखना चाहती सच्चा नबी तो बेशुमार से आपके कोल जिन्हें एक पेश गोईया भी है। जिस दिन बदर के मैदान सारी रात हजूर जी गुजरी अरीश बनाया सी छप्पड़ खजूरों का रसूल करीम वो सही दे पै रहे या ही हो या कयूम पढ़ते रहे लश्कर मैदान से हजरत अबू बकर जी ने कोल से हजूर पाक ने जो दुआ की बहुत गिड़गिड़ा के की कि अल्लाह अपने वादे पूरे कर, अगर अज तू वादा पूरा ना किया मर ना की तो मारे गए तो फिर तेरा ना जमीन पर कह लेना ए बड़ी मेहनत ना इन्ने सालों तो बाद इन्ने मैं लैके आया मर गए तो जमीन तो खाली हो जानी। इतना गिड़गिड़ा भी चादर मुबारक भी कहद्या तो डिग गई। हजरत अबू बकर जी ने तरस आया उन्हें आख्या अल्लाह रसूल बस कर अल्लाह की मां जरूर आनी इन्नी आज ही देख के खुदा ने बह रहना कोई। और इदा ही हुई भी जो हो जबरील सलाम आ गए सही समुल जमो वही वल्लू न दुबर के लश्कर हार जाएंगे और ये लोग पीठ फेर के दौड़ जाएंगे। फिक्र ना करो भी हज़ार है तो तुम 313 जे इन्हें कोई इन्ने घोड़े तो इन्ना असरा कुछ भी नहीं तुहाडी मर्ज़ी हज़ार फरिश्ता आ जाऊगा ये बंदिया ना तो फरिश्ते पूरे कर दूंगा हज़ार तुम वादू फिक्र ना करो हाँ। अल्लाह के रसूल सलाम मैदान चाहे छड़ी मुबारक हाथ से अल्लाह के रसूल सलाम फरमाया निशान दे के इतने उत्पा गिरूगा इतने शहबा डिगूगा इतने वलीद बिन उत्पा डिगूगा इतने अबूजाल डिगूगा और साहबा खराम रिजवान अल्लाह ने रब की कसम असी एक राही बराबर भी इधर उधर नहीं डिगदा वेख्या उत्थे ही कंधर डिगे जिथे अल्लाह के रसूल ने किया और जदों उन्होंने खिंच के फिर सिटिया गड़े के अंदर और हजूर उत्थे खड़े हुए सराने हाँ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़ो के आख्या कुतबा शहबा अबू जहल सब के ना लैके कि जो कुछ मैं तुम्हें कहता सी मुखालफत करोगे अंजाम आ होगा पा लिया नतीजा कि नहीं हूँ वो सच्चिया हुई गलां कि नहीं। तो उस वे हजरत उमर जी ने आख्या यार रसूला ये मरे इन्हों लाशा से इन्हें जान भी कोई नहीं तुम इन्हों गल कर रहे सुन दे तो फिर मैं अल्लाह की कसम तो ज़्यादा सुनते सिर्फ बोल नहीं सकते
बोलने की इजाजत नहीं, सुन रहे और इन्होंने दिलों से तीर वागू मेरी गलां वजदियाँ, बे मेरी मुखालफत करके खटिया की। इस तो नबी वो हों जो कह दे फिर जमीन असमान हट जाने तो हट जाने, वो नहीं गल टर सही, वह आप ही आने अल्लाह की तरफों क्या अल्लाह आप ही झूठा पै जाए माज अल्लाह, यह हो नहीं सकता। इस तो कादियानी ये सारे जुल्मों तो वड्डा जुल्म है कि इन्हें सारे नबियों को दागदार करना कि जो मैं झूठा तो पहले भी झूठे से मैं यो गल इन्होंने अगे रखा। इस तो उस हाथ जोड़ देने मैं बाकी गल्ला बाद छोड़ो मसले ईसा दिंदा जी मुर्दा दसो नबी बन के कंध की चढ़ाया झूठिया गल् करके आप भी ना दूजे भी ला डूबे तो जे इदा ही है ना प्यो ही नबी इदा ही कर रहा तो मेरा चिट्टा जवाब मैं उन्होंने नबियों को भी नहीं मना। फिर यह नबियों मन का फायदा की है जिन्हों की जबान ही नहीं सच्ची होंगी, नहीं वो सच्चे बिल्कुल सच्चे से उन्हों की गलों कभी गलती नहीं हुई, वो पाक से। हूँ आखिरी यदा हिस्सा इंशाअल्लाह अगला जुम्मा वाखिर उदावन अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्के मुहम्मदिन व आलिही व सहाबीन। अल्लाह वह हूँ बच्चे पूछण लग पाए शुक्र है पूछण पूछण करा कि मैं तो ही आना तालब बन दो इलम सवाल बहुत मगर ये सारे संभाल के रख लेने हूँ इंशाअल्लाह ना वेखो ना सवाल जी गल मैं कर रहा हूं ना ज्यादा वो बारे करो ताकि वह खुतबे के मुतलक हूँ होर जो अगे पिछे पूछ लिया करो। बिस्मिल्लाह क्या हजरत अबू बकर सिद्दीक हजरत उमर फारूक हजूर सर सलम के नमाज जनाजा में शामिल हुए थे या नहीं? रखो वालदैन खुसन वालदा मुहतरमा मरखा 12-11 बरोज हफ्ता फात पा गया आप से आजाना गुजारिश है नमाज जमा की फर्ज रखो दुआ। ये बिलाल साहब की वालदा भी फौत हो गई, अशरफ साहब साढ़े दोस्त उन्होंने भाई फौत हो गया, लंदन चकबर लिए मेरा दोस्त है वो वालदा फौत हो गई, होर भी कई होने होने मगर इन्हों की खसूसियत ना दरखास्त इंशाअल्लाह नमाज तो बाद दुआ करनी। एक ऐलान वजो ना सुनो कि मेरे अपने हलका अहबाब मैनू ही समझो बच्ची की शादी है और तारीख रख ली है दिन बिल्कुल करीब है, समान नहीं कि वह बेचारा बच्ची की शादी कर सके। इस बारों तुहाडे सामने लंबी बात नहीं मैं करदा हां बच्ची के बारे मेरे जज्बात ऐसे है मैं ना हर आदमी हिल जाना चाहिए कि बच्ची जी उन्होंने घरों उठा लवे कोई बाप इज्जत आबरू ना ये रब का बड़ा इनाम है। तो अल्लाह तौफीक दे अज ज़्यादा तो ज़्यादा इस सिलसिले की मदद करो कबूल फरमाया कोई खाली ना रहे ज़्यादा तो ज़्यादा दे के जाना दिल खुश हो जाए उस मेरे दोस्त का भी मैं भी दुआ करूँगा अल्लाह तुम माल औलाद बरकत दे ये उस बच्चे का काम जोड़ा करना जे खुले दिल ना करना और ये कोई तादाद नहीं तुम जानते 20-30 हज़ार अच्छ कुछ भी नहीं शायद माड़ा मोटा भी कोई गरीब करे तो मसीह जोड़ा सर अंजाम दे नाबालिग लड़के लड़की का निकाह हो सकता यानी यह रख लो इंशाअल्लाह। मौलाना साहब एक सच्ची फात की उसकी सिर्फ एक बहन और लैपालक बेटा जिंदा जायदाद की तकसीम कैसे होगी? यह लैपालक बेटा का फितना इस दौर च उठ खड़ा है। अल्लाह ने कुरान बड़ी मुश्किल ना रोकिया सी भाई कोई किसी के बेटे नूं बेटा ना बनावे वह रफड़ पा लिया बल्कि कागजा च भी लिख देंदे भी मेरा बेटा अपनी वर्दीयत वह बाद निकाह दे रौले रिश्तेदारियों फसाद ये बिल्कुल हराम फेल है। प्यार मुहब्बत ना पालना पालो जिंदगी कोई देना चाहते जो ठीक है उस बच्चे दे दौ मगर विरासत चुदा कोई हिस्सा नहीं लैपाल कोई बेटा नहीं ना उसका विरासत कोई हिस्सा अगर एक भैन है और एक लैपालक बेटा तो भैन का अद्ध है तो जे कोई होर नहीं भैन भरा तो मुड़ के अद्ध भी उस भैन में मिल जाना लैपालक कुछ नहीं मिलना लैपालक देना सी अपनी जिंदगी देना। बराए करम हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अज़ाब की बेवाक़िया तफसीर की बयान करके मजमून मुकम्मल फरमा दें। मजमून कदा मुकम्मल करा एक मुकम्मल करा एक जुमा लग जाता ये अलहदा ही हूँ समझो कि यूनुस अलैहिस्सलाम ने यह कोई गल नहीं ना कोई उन्होंने दिन दसाया ना अजाब दी गलों को सूरा निसा की आयत और अच्छा नोट करवा दें शाह बाब सूरा निसा की आयत तो दस्या चलो यहाँ एक हवाला हो जाए नोट कर लो आयत जी सी कुरान पाक की वो सूरा निसा की 155 नंबर आयत और जोड़ा इस्तिसना सी मूसा अलैहि सलाम की किताब वह बाब 18 ये रुकू जिस तरह होंगे अपने इस तरह ही और तस इस्तिसना किताब 18 और ये अंदर ये जोड़ा बयान है ये 20 तो लैके 22 तक कहता। इस किताब का बहुत देर से दोस्त मुसा खान वादा नबी वहदे बनोमिया हकायक आम फिक्र ए मौली फकीरला साहब ले आए बहुत बड़े काबर आदमी सऊदीया जी रहे दमिश्क जी रहे इस्लामी तारीख के बहुत बड़े इस दौर के आलम रिजवान अली नदवी साहब उन्होंने खान वादा नबी वहदे बनी उमैया के बनो उमैया के जमाने रसूल्ला के खानदान ना की होया
बहुत आलमाना किताब लिखी, उम्र गुजरी और तद आ कहता मैं जो पाकिस्तान वेख्या भी इतने ये लुच चल रहे रहो कि बनो मैया के हामी है और आधे रसूल के दुश्मन, फिर किताब लिखी। एडा वड्डा स्कॉलर है, सारी उम्र अरब मुबारक चौधरी और यूरोप से तारीख से गुजरी। अगर औरत के मजबूरी की वजह से रमज़ान के रोज़े रह गए तो क्या पहले रमज़ान के फ़र्द रोज़े रखे या पहले शवाल के रखे फ़र्द रोज़े दूसरे माह मुकम्मल करें? कोई गल नहीं, शवाल दे छे नफली रख लै तो बाद रख लै, उंज अकल की गल तो दीन के मुताबिक जी पहला फर्दा की फिक्र करे वह कर दे उसके जिम्मे, वह अदा करे ना हो नफर रखद रखद मौत आ जाए कर दे रह जाए जिम्मे तो फिर की बनूंगा। इस तो पहला फिक्र जी फर्दा की होनी चाहिए। अगर गरीब औरत अपने रोज़े किसी और को सामान खुराक देकर रोज़े ना रख सके तो खामद और बीवी दोनों मिलकर वो रोज़े रख सकते हैं। जो बीवी से रह गए हैं छूट कर नहीं, इस तरह मिलकर तो नहीं रखे जाते, वो बीवी ने अगर अल्लाह ताला सेहत देवे तो उन्हें रखने, नहीं सेहत मिलती तो वह फिदिया दे दें, तो फिदिया भी नहीं तो अल्लाह को दुआ कर अल्लाह माफ कर। जे एडे बेचारे गरीब है वो फिदिया भी नहीं जैसे उन्होंने भैन भरावान की छुट्टी, कोई नहीं किसी ने भी नहीं दुख पाने पाती लड़ हैगी हिम्मत खवा दें नहीं तो अल्लाह वारस है। गरीबा का आप हामी है बेचारे नहीं किसी को कुछ दे सकते, कोई गल है की सी भी है। औरत का नमाज तरावी बाजमात पढ़ना दुरुस्त है, ये अगे हो नहीं चुका। तुसी पूछा क्या जी? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व नबीयिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि बारिक व सल्लम। अल्लाहुम्मा अग़फिर लिल मोमिनीना वल मोमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहया मिनहुम वल अमवात इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदल वल इहसाने व ईताए ज़िल क़ुरबा। फिर जो दो ऐलान रह गए, एक ऐलान थे कि आज नमाज मगरब तो बाद इंशाअल्लाह रज़ा बाद वो बच्चे एक सिलसिला शुरू कर रहा है कि सारे मुसलमानों इकट्ठे करके गुरुआंदियां आंदे कुरान मजीद का दर्श शुरू करना। और ये पहला मेरे को आया सिर्फ तुहानू ही बाबा जी ले जाना, पहल तुसी करो, बरेलवी जो बंदी है रदी सब होंगे बाद जिवें होगी। तो अज इंशाअल्लाह नमाज मगरब तो बाद रज़ा बाद दर्श। और दूसरा है भी 24 तारीख है जी आ रही जुमेरात, उस दिन 10:30 बजे जरी यूनिवर्सिटी ओल्ड सैनेट हाल च इंशाअल्लाह उत्थे भी खिताब और सवाल जवाब है। अल्लाह तौफीक दे जुमेरात नूं उत्थे जरी यूनिवर्सिटी पहुँच जाए। रज़ाबाद वो दस्या नहीं मैंने उन्होंने, इतों लैन आने हूँ उत्थे 5 नंबर गली चाहते हाँ इंशाअल्लाह। सुन लो जरा मियाँ जी ने दस इन अल्लाह यामुर बिल अदल वल एहसान व ईताए ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फहशाए वल मुनकर वल बगी यअज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। पैसे दे के जाना जे अल्लाह हिम्मत देवे ना ज़्यादा हज़ारों दे के जाओ, अल्लाह खुश करे राजी रखे। फिर आपने कुछ